तो दोस्तों आज के हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट के न्यू मॉडल जो कि आपका 2023 मॉडल है, और इधर आपका खड़ा जो कि आपका पुराना 2022 मॉडल है। और आज आपको बताने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों में क्या कुछ नया आया है, जो कि आपका 2023 में मॉडल नया आया है उसमें क्या अपग्रेड आया है, क्या क्या फीचर ऐड हुआ है और क्या डिफरेंस हुआ है इन दोनों गाड़ी में, वो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ में इस गाड़ी के जो कि ऑनर है उनका ही फीडबैक लेने वाले हैं कि उनको इस हफ्ता भर में या आपका 10 दिन में लिए हुए गाड़ी हो गया, उनका क्या फीडबैक रहा है और क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए इस रेट में, क्योंकि आप इसका जो प्राइस है वह काफ़ी हाई हो चुका है, वो सब आपको इस वीडियो बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम दो पार्ट में करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको वो इन दोनों गाड़ी का कंपैरिजन बताने वाले हैं और सेकंड पार्ट में जो इनके ऑनर है उनका फीडबैक लेने वाले हैं। तो चलिए तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। और वीडियो को यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये हमारे पास आ चुकी है रेड वाली, जो कि आपका 2023 मॉडल है, और इधर आपका वाइट है, ये आपका 2022 मॉडल है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करके फ्रंट में देखते हैं फ्रंट में क्या कुछ चेंज हुआ है। तो अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट आप देख सकते हैं, ये आपका पुराना हेडलाइट है और ये आपका न्यू हेडलाइट है। तो इसमें कुछ चेंज किया गया जो कि आपका डीआरएल में है, और यहाँ पर आपको रिवोल्ट का जो लोगो है यह भी हाईलाइट हो रहा है, और इस गाड़ी में आपको यहाँ पर रिवोल्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आपको रिवोल्ट की ब्रांडिंग मिल जा रही है जो कि आपका एलईडी है, और इसमें भी आपको सेम देखने को मिला है। बस चेंज हुआ है आपका यहाँ पर जो कि आपका मेन ये है, और आपका यहाँ पर लोगो ये भी ऐड कर दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं इसके आगे बम्पर की। तो ये आपका मडगार्ड जो है ये भी आपको बिल्कुल सेम रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, और यहाँ तक कि आपका जो इसका शॉकर है ये भी पूरा सेम ही है। और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में जरूर चेंज हुआ है, ये आपका एडविक का डिस्प्ले लगाया गया है। और अगर पुराने में बात करें तो पुराने में आपको इसमें एलबियन का डिस्प्ले लगा हुआ है। तो दोस्तों कुछ फ्रंट में इतना चेंज हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसके बटन की, इस बटन में कितना कुछ चेंज हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अगर बात करें इसके बटन की तो मेन दो, पहले आपको पुराना बटन दिखाते हैं, ये आपका 2022 का बटन है जो कि आपका लोगो देख पा रहे हैं, ये आपका छोटा बटन दिया है। और अगर 2023 में बात करें तो यहाँ पर आपको इसका जो बटन है वह काफ़ी बड़ा थोड़ा कर दिया गया है। और एक और इसमें चेंज हुआ है, जो आपका पुराना वाला था उसमें ये लाइट ब्लिंक नहीं होती थी, मैंने इसको अपग्रेड करा लिया इसलिए आपको इसमें अपडेटेड दिख रहा है। तो अब ये जो नया वाला है उसमें आपको ये लाइट ब्लिंक होती हुई दिखेगी, इसकी भी एक कहानी वही आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं तो ये आपकी ब्लिंक करती रहेगी जब भी आप इसको ऑन करेंगे, ये ऑफ़ नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है, डिस्प्ले में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये आपका 2023 का डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको ये 2022 मॉडल का डिस्प्ले दिया गया है। अगर बटन की बात करें तो बटन भी मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही रखे गए हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका स्पीड मोड बटन है, ये आपका साउंड बटन है, और इधर बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल सेम ही रखा गया है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, इसमें भी पूरा सेम ही बटन दिया गया है। तो चलिए तो अब बात करते हैं इसके बैक साइड में। तो बैक साइड के अगर टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइट है किस प्रकार चल रही है और इसमें आपका पूरा किस प्रकार से चल रही है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा चेंजेस किया गया है टेल लाइट में भी। और इंडिकेटर बात करें, इंडिकेटर आपका बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और अगर पीछे की डिस्प्ले की बात करें तो पीछे भी आपको एडविक का ही डिस्प्ले मिलता है, और इसमें आपको तो इसमें ब्रांडिंग नहीं दिख रही है, आगे आपका ABS का है और पीछे का पता नहीं कौन सा है, लेकिन पीछे इसमें आपको एडविक का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें एक चीज़ और चेंज हुई है जो कि आपका बहुत बड़ा मेजर चेंज है, जो कि मेरे हिसाब से वो पहले होना चाहिए था, वो है इसकी सीट। या दोस्तों ये आपकी जो सीट है ये काफ़ी कष्टदायक है और अनकंफर्टेबल है, लेकिन अब जो नई वाली रिवोल्ट है इसकी आप सीट देख पा रहे हैं, ये देखने में भले आपको लग ना रहा हो लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस दिया गया है, यानी कि इसकी सीट को काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया है। अब वो जो इनके राइडर है वही बता पाएंगे कितना ये कम्फर्टेबल सीट मिली है, वो भी हम इनके जो ऑनर है उनसे बात करके तब जाएंगे। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी भी कम हुई है, जो पुरानी वाली है 2022 मॉडल उसकी आपकी 6 साल वारंटी है या 1.5 लाख किलोमीटर, और जो नई वाली है इसकी आपकी वारंटी घट गई है जो कि आपका 5 साल है या फिर 1 लाख 20 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी वारंटी में भी कमी आई है, और इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ा है, वो भी आपको बताऊंगा कितना बढ़ा है, अभी इनके जो ऑनर है उनसे जानेंगे उनको एक्चुअल में ये किस रेट में मिली है। तो दोस्तों ये था इसका ओवरऑल जो चेंजेस हुआ था वो दिखा दिया। चलिए अब मेन दिखाते हैं जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो क्या क्या चेंजेस हुआ वो जल्दी दिखाते हैं, क्योंकि वो इसका मेन हाईलाइट है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं जो कि आपका पुराने में नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं इसके एप्लीकेशन में। तो चलिए तो आपको दिखाते हैं इसके ऐप में। तो इसका ऐप हम खोलते हैं जो कि इसका मेन
जो अपग्रेड हुआ है वो इसके ऐप में हुआ है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है। चलिए इसमें दिखाते हैं क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। तो सबसे पहले जो आपका आया है, जो कि आपका पुराने में था साउंड का, जो कि आपका सिमिलर ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और इसमें आपका जियो फैंस है, ये भी पुराना था, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुए। और यहाँ पर आपको नया आया है वॉइस असिस्ट का, चलिए आपको दिखाते हैं इस वॉइस असिस्ट में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो इसमें हम बोलते हैं रिवोल्ट बंद हो जा, तो हमने इनको दिया है रिवोल्ट बंद हो जा, रिवोल्ट बंद हो जा, रिवोल्ट ऑफ हो जा। तो दोस्तों देख रहे हैं बिना बोले ही अपने आप बोले चली जा रही है, रिवोल्ट बंद हो जा। रिवोल्ट बंद हो जा। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा सही वर्क नहीं कर रहा है, रिवोल्ट ऑफ हो जा। ये देख सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रही है, टर्न ऑफ रिवोल्ट। तो चलिए हम अपने ऑनर से बुलवाते हैं क्योंकि हमारी तो आवाज सुन नहीं रही है। तो रिवोल्ट ऑन हो जाओ। तो ये मालिक की भी आवाज नहीं सुन रही है, रिवोल्ट ऑन हो जा। प्लीज ऑन द बाइक। ऑन द बाइक। रिवॉर्ड की ऐप की बहुत बड़ी दिक्कत आज मेरे सामने आई है। तो इस चीज में मैं गूगल असिस्टेंट को ज्यादा दूंगा, इनको जीरो दूंगा। तो दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है वो वॉइस रिक्वायर्ड वाला वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने भी कई बार ट्राई कर लिया है और ये सुनने नहीं चाह रही है, जो भी इसे बोलो अपनी भाषा बक रही है, कुछ सुन नहीं रही है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, रिवोल्ट ऑन हो जा। तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर रही एप्लीकेशन, लेकिन इसमें आपका हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन है, चलिए देखते हैं वो ऑन होता नहीं होता है। टर्न ऑन हजार्ड लाइट, टर्न ऑन हजार्ड लाइट। तो चलिए खैर इसने ये ऑन कर दिया है, अपनी इज्जत बचा ली इसने। लेकिन दोस्तों जो इसका नया वाला गाड़ी है इसमें आपके हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल रहा है, और मैंने अपग्रेड कराया है, इसमें आपका हजार्ड लाइट का ऑप्शन नहीं जल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा, क्या अपडेट है, मैं शोरूम पर जाऊंगा बताऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे में हजार्ड लाइट काम नहीं कर रहा है और आपका नया वाले में कर रहा है। बेसिकली मैंने इसको इसी पर्पज़ से कराया था कि मेरे में भी हजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें नहीं हो रही है और इसमें आपकी ऑन हो रही है। चलिए इसको बंद भी चीज़ करना पड़ेगा, एक बार और करते हैं, टर्न ऑफ हजार्ड लाइट। टर्न ऑफ हजार्ड लाइट। अभी ये आपकी बात नहीं सुनना चाहती। चलो फिलहाल हम इसको वर्चुअल की से इसको बंद कर देते हैं। तो ये आपका इसका वर्चुअल की है, इससे आपका बंद हो गया है, और ये भी आपका अच्छी चीज़ है। लेकिन बस ये बेसिकली इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है, बस ये है कि अच्छे से वर्क करे तब। चलिए आपको इसमें एक और चीज़ दिखाते हैं, स्वाइप टू स्टार्ट, ये फिर से ऑन हो गई है। इसको क्या हो गया भाई, चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका स्वाइप टू स्टार्ट फीचर, ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने स्वाइप किया और हमारी गाड़ी ऑन हो गई। चलिए ये तो थोड़ा अच्छे से वर्क कर रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वह मेरे मोबाइल में तो वर्क करता ही नहीं है वॉइस असिस्ट का, इसमें थोड़ा बहुत कर भी रहा है लेकिन वो सही से नहीं कर रहा है। और iOS में वो अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरा तो भैया का पता नहीं क्योंकि उनका iOS है नहीं, तो मेरे में तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन आपका एंड्रॉयड वर्जन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, क्योंकि इनके में भी दिक्कत आ रही है जो कि मुझे ये लगी। चलिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहीं से ही। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन में कुछ इतना कुछ नया चेंज देखने को मिलने वाला है यदि आप न्यू रिवोल्ट लेते हैं, या फिर यदि आपके पास पुरानी रिवोल्ट है उसमें भी आप अपग्रेड करा सकते हैं, जो कि मैंने करा रखा है। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप आई बटन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं, मैं सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये था इसका मेजर जो अपग्रेड था सॉफ्टवेयर का, वो भी आपको दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट पार्ट को यहीं करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इन गाड़ी के ऑनर
से बात करेंगे इनको गाड़ी लिए कितना समय हो गया है और उनका अब तक का क्या फीडबैक रहा है इस गाड़ी को लेकर के, क्या वो आपको रिकमेंड करने वाले हैं इसको लेने के लिए या फिर नहीं। तो चलिए तो वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक लिए जय हिंद।